Myself, Rakesh Kumar, Maths teacher, of Shivaji Group of Institution. मैथ क्लास में सिक्स क्लास हिंदी मीडियम के बच्चों का स्वागत है. बच्चों आपने एक्सरसाइज नंबर 5.5 तक अध्ययन कर लिया है. इस क्लास में एक्सरसाइज नंबर 5.6 का अध्ययन करेंगे. तो इसमें दो ही क्वेश्चन है, पहला और दूसरा. पहले के चार पार्ट हैं और दूसरे के भी चार पार्ट हैं. तो हम कोई चार क्वेश्चन आपको बता देते हैं, बाकी आप अपने आप कर सकते हैं. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में है, व्यवकलन ज्ञात कीजिए. व्यवकलन ज्ञात कीजिए, फर्स्ट पार्ट है. 15/17 - 13/17 बहुत आसानी से आप कर सकते हैं, सेम है ये सभी. तो एक ही बताएंगे इसका. पहला पार्ट है 15/17 - 13/17. अब इनमें दोनों भिन्न हैं, भिन्नों में आप देख रहे हैं दोनों भिन्नों के हर समान हैं. तो किसी एक हर को या इनका एलसीएम लेंगे तो 17 17 है, 17 का एलसीएम 17 ही होगा. तो अंश में 17 से भाग देंगे, एक बार जाएगा तो हो जाएगा 15. चूंकि समान हर है इसलिए अंश को हम ऐसे ही लिख देंगे, बराबर 15 में से 13 को घटा देंगे तो कितना बचेगा, 2, और बटे 17, ये आपका आंसर हो गया. इसका सेकेंड थर्ड पार्ट देखिए. थर्ड पार्ट में है 13/15 - 10/15. 13/15 - 10/15. इसमें भी आप देख रहे हैं कि दोनों भिन्नों के हर समान हैं, इसलिए हमने 15 लिख दिया. अब समान होने की वजह से अंश को वैसे ही लिख देंगे, 13 - 10 बराबर 13 में से 10 को घटाएंगे तो 3 बच जाएगा, 3/15 हो गया. 3 से भाग 3 में और 15 दोनों में चला जाता है, 3 एकम 3, 3 बचे 15 बराबर 1/5, और ये इसका आंसर हो गया. क्वेश्चन नंबर 2, इसके दो पार्ट थे, वो दो पार्ट आप खुद कर सकते हैं बिल्कुल सेम ऐसे ही, और उनमें कुछ भी नहीं. क्वेश्चन नंबर टू में है, फर्स्ट पार्ट है 1/2 - 1/3. 1/2 - 1/3. तो हम अब चूंकि दोनों भिन्नों के हर असमान हो गए, अब समान नहीं तो इन हरों का लासा लेंगे. तो 2 और 3 का लासा क्या हो जाएगा, 3 और 2 का गुणा कर दे 6 हो गया. 2 से भाग देंगे, 6 में 3 बार जाएगा, जितनी बार भाग जाता है उसको अंश से गुणा कर देते हैं तो 3 एकम 3, और माइनस लगा दिया. 3 से भाग दिया 6 में, 3 दूनी 6, 2 बार गया, 2 का गुणा अंश से किया यानी 1 से, तो 2 एकम 2. अब 3 में से 2 को घटा दिया तो कितना बच गया, 1 1/6, और ये आपका आंसर हो गया. इसका सेकेंड पार्ट देखिए. सेकेंड पार्ट में है 1/3 - 1/5. 1/3 - 1/5. इसमें भी हर आसमान है इसलिए दोनों का एलसीएम लेंगे. तो 3 और 5 का एलसीएम 3 बचे 15 हो गया. 3 से भाग देंगे 15 में, 5 बार जाएगा, 5 का गुणा 1 से कर देंगे तो 5 एकम 5, और माइनस. अब 5 से भाग देंगे 15 में, 3 बार गया, 3 का गुणा 1 से करेंगे तो 3 एकम 3. 5 - 3, 5 में से 3 को घटा देंगे तो 2/15 आ गया, और ये इसका आंसर हो गया. इसका थर्ड पार्ट है. थर्ड पार्ट में है 3/4 - 1/2. 3/4 - 1/2. 4 और 2 का एलसीएम लेंगे. तो किन्हीं दो संख्याओं में यदि
छोटी संख्या का भाग बड़ी संख्या में पूरा पूरा चला जाता है तो बड़ी संख्या लघुत्तम छोटी महत्तम होती है, तो इसलिए चार यहाँ लघुत्तम हो गया। चार से चार में भाग देंगे एक बार जाएगा, एक का गुणांश में करेंगे यानी तीन में, तो तीन रह जाएगा। माइनस दो से भाग चार में देंगे तो दो दूनी चार, दो बार गया, दो का गुणा एक से कर देंगे तो दो एकम दो। तीन में से दो को घटा देंगे तो एक बच गया, एक बटे चार, एक बटे चार ये आपका आंसर हो गया। इसका फोर्थ पार्ट में है एट अपान फिफ्टीन माइनस एट अपान फिफ्टीन माइनस सेवन अपान ट्वेंटी। अब 15 और 30 का लघुत्तम समापवर्तक लेंगे, लासा लेंगे तो हो जाएगा 60। अगर आप ऐसे नहीं ले पाते हैं तो आप ऐसे कर सकते हैं, 15 और 20। तो पहले 2 से भाग देंगे तो 15 रहेगा और यहाँ 10 हो जाएगा, फिर 2 से देंगे तो 15 और 5 हो जाएगा, अब तीन से देंगे तो पाँच, तीन बचे 15 और 5 यहाँ हो जाएगा, पाँच से देंगे तो एक और एक, तीन बचे 15। एलसीएम लिखिए, एलसीएम इज इक्वल्स टू 2 × 2 × 3 × 5 इज इक्वल्स टू 3 × 5 = 15 × 30 × 60 हो जाएगा। वो एलसीएम मैंने यहाँ नोट कर दिया। अब 15 से भाग 60 में देंगे, पहले वाला हर 15 है, 15 से भाग 60 में देंगे तो 15 चौको 60, चार बार गया, चार का गुणा 8 से कर देंगे तो 8 चौको 32 माइनस। अब 20 से भाग देंगे 60 में तो 20 × 60 तीन बार गया, तीन का गुणा 7 से कर देंगे तो 21, 32 में से 21 को घटा देंगे तो 11 बच गया और बटे 60 ये इसका आंसर हो गया। तो बच्चों एक्सरसाइज आपकी 5.6 कंप्लीट हो गई। एक्सरसाइज नंबर 5.7 का अध्ययन नेक्स्ट क्लास में करेंगे, तो इस क्लास में इतना ही, आगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।